नमस्कार, आचार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। तो ये है इंग्लिश की सीरीज जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश पे भी ध्यान देंगे। ठीक, तो ये आपका 5वां लेक्चर है। अगर आपने पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख लीजिए, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसका टॉपिक का नाम है कॉमन नाउन। तो नाउन हमने समझा था कि नाउन क्या होता है, कि नाउन जो होता है नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। तो नाउन का एक टाइप था कॉमन नाउन, जिसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन नाउन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो कॉमन नाउन इज़ अ नेम कॉमनली गिवन टू ए पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और टाइप। तो हमने बात की थी कि किसी भी वर्ग के लोगों को एक बराबर से इसको बोलने के लिए हम यहाँ पास क्या यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन यूज़ करते हैं। जैसे ट्री, तो ट्री क्या है, पेड़ है, कोई भी पेड़ हो सकता है, पेड़ों का एक वर्ग है। तो ये पेड़ों के वर्ग के लिए हमने ट्रीज का उपयोग किया, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन पूरे एक वर्ग को इंगित करता है। ठीक, तो यहाँ पास पहला एग्जांपल ट्री का ही है। सेकंड है आपका बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, मतलब लड़के बाहर खेल रहे हैं। तो लड़के यहाँ पास क्या है, पूरे ग्रुप को बता रहा है कि लड़के हैं वो, तो इसलिए वहाँ पास बॉयज हो गया। गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो लड़कियाँ क्या है, गाना गा रही है एक सॉन्ग। गाना कौन सा वो भी नहीं है, यहाँ पास गाना एक ग्रुप है, लड़कियाँ एक ग्रुप है। तो लड़कियाँ गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पास क्या हो गया कि पूरा एक ये कॉमन नाउन बन गया। और भी एग्जांपल देखते हैं कॉमन नाउन के। तो यहाँ पास कॉमन नाउन हम कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार, तो कलाकार कोई भी हो सकता है। तो कलाकारों के लिए हमने क्या बोला, कॉमन नाउन है वो। क्लाउन, जो जोकर होता है, वो भी आपका कॉमन नाउन में आएगा। एस्ट्रोनॉट, ये भी आपका एक कॉमन नाउन है। इसके अलावा आपका एक्रोबैट, जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं, वो भी एक कॉमन नाउन है। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ भी लिखे हुए हैं, जैसे एक्टर, आंट, बेबी, बेकर, कुक, डेंटिस्ट, डॉक्टर, जाइंट, लॉयर, जज, मैन, नर्स, पुलिस ऑफिसर, सिंगर, सोल्जर, टीचर। तो जब भी आपको ये शब्द दिखे, आप समझ जाइए कि कौन से नाउन की बात हो रही है, कॉमन नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पास हमने प्रोफेशन के हिसाब से कॉमन नाउन देखा, मतलब कोई क्या काम करता है उस हिसाब से हमने कॉमन नाउन को देखा। अगला है आपका जानवरों के लिए। तो सारे जानवरों का नाम जो होता है वो कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि हम पूरे उनकी प्रजाति के लिए बोल रहे हैं। जैसे ईगल, तो कोई भी ईगल हो सकता है, किसी खास ईगल की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पास ईगल क्या है, आपका कॉमन नाउन है। बेयर, भालू एक कॉमन नाउन है। बर्ड एक चिड़िया है, कॉमन नाउन है। क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, कॉमन नाउन है। जेब्रा, एक जेब्रा जो है आपका कॉमन नाउन है। डियर, ये भी आपका कॉमन नाउन में आता है। इसके अलावा और भी जानवरों के नाम है, जैसे कैट, काऊ, डॉग, डॉल्फिन, डक, फिश, गोट, गूज, हैन, हॉर्स, माउस, पैरट, सार्क, वेल। तो ये सभी किसमें आ गए, आपके कॉमन नाउन में, मतलब सभी जानवर जो होते हैं उनके नाम कॉमन नाउन होते हैं। अगला है आपका स्थान, प्लेस। सभी प्लेस जो होते हैं वो भी कॉमन नाउन में आते हैं, जैसे आपका बीच, तो बीच कोई भी हो सकती है, इसलिए वो भी क्या है, आपका कॉमन नाउन है। शॉप, दुकान, पार्क और लाइब्रेरी, ये चारों एग्जांपल आप किसके हैं, कॉमन नाउन के हैं। इसके साथ और भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट, ये कॉमन नाउन है। केव, गुफा, चर्च, फार्म, खेत, हिल, पहाड़, हॉस्पिटल, होटल, हाउस, घर, आइलैंड, द्वीप, मॉल, मार्केट, माउंटेन, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, स्कूल, सीशोर, स्टेडियम, सुपरमार्केट, टेंपल, जू। तो ये सभी किस में आते हैं, आपके कॉमन नाउन में आते हैं। जब भी आपको ये वर्ड दिया तो समझ जाइएगा क्या है, कॉमन नाउन है। इसके अलावा कुछ खास वस्तुएं होती हैं जिनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जैसे ड्रम। ड्रम कोई भी हो सकता है, वो कॉमन नाउन है। बास्केट, ब्लैंकेट, केक, बेड, गेट, ये सभी क्या है, आपकी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। हमने पिक्चर्स का दिखाने की कोशिश की जिससे आपको समझ में भी आए। इसके अलावा बैग, बॉक्स, ब्रेड, कैन, चेयर, कॉट, खटिया कॉट बोलते हैं यहाँ पास, कप, डेस्क, डोर, एग, काइट, लैडर, सीढ़ी, लैम्प, पिक्चर, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रेन, ट्रक, वॉच, घड़ी, विंडो, आपकी खिड़की। तो ये सभी किस में आएंगे, कॉमन नाउन के ही एग्जांपल है। इसके बाद ये हमने देखा पूरे कॉमन नाउन क्या होते हैं। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पास, कि इसमें आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। तो अगर आपने
सही से देखा ये वीडियो, अगर आपने सही समझा है तो आपको उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि कॉमन नाउन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ लिटिल बर्ड इन द गार्डन, तो इसमें आपको कॉमन नाउन बताना है। इसको आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए। हु इज योर टीचर, डोंट ईट दैट रॉटन एप्पल, सड़ा हुआ से मत खाओ। केट हैज़ अ लवली डॉल, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, माई फादर इज अ डॉक्टर, एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिक्शनरी, रूडी हिट्स बनानास, द फोन इज रिंगिंग, हियर इज अ बुक फॉर यू। तो ये सभी क्वेश्चंस में आपको कॉमन नाउन क्या है उनको निकालना है और उसको हमको कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। तो ये था आपके इंग्लिश सीरीज का 5वां लेक्चर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।